सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बात हमेशा याद रखना, दीपक हमेशा वही मिलेगा जहाँ अंधकार होगा, फूल वहाँ मिलेगा जहाँ कांटा होगा, वैसे ही ज्ञान भी वही मिलेगा जो उसका प्यासा होगा। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से, पर सिद्धि होती है उसके व्यवहारों से। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। आज का पंचांग 19 दिसंबर 2020 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सम 7:40 तक रहेगी। इसके उपरांत सद्भिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:45 से 11:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 7:16 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। मेष राशि 19 दिसंबर 2020 दिन शनिवार, घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सेला बना सकता है। जिन लोगों ने लोन लिया था आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती है। कुछ भी चालाकी भरे काम को करने से बचें। मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों से दूर रहें। आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में समझ बूझ के उठाए गए आपके कदम लाभदायी होंगे। इससे आपको समय पर योजनाएं पूरी करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए परियोजनाएं शुरू करने के लिए सही समय है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। प्यार नजदीकी मस्ती मजे जीवन साथी के साथ यह एक रोमानी दिन रहेगा। व्यापारी में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य गति में धीमी रहेगी। ग्राहक की चहल पहल भी आज कम ही रहेगी। इसके अलावा आज व्यापार में कोई सौदा या डील निरस्त होने की आशंका बनी हुई है। नौकरी में कार्यरत जातकों को टेंशन हो सकती है। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्यार के सदस्यों के बीच अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच कोई तनाव चल रहा है तो आपको उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों के बीच करवाहट पैदा ना होने दें। आज पूरा प्रयास करके ही सब परिजन एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे पर भरोसा करें। आज आपको महसूस होगा कि आप अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। सावधानियां, बाबा सिर संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, ध्यान रखें। रात्रि के भोजन में हल्का आहार लेना लाभकारी रहेगा। पैसे के लेन देन में भी सावधानी बरतें, शुभ रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में तनाव रह सकता है, लेकिन जमीन जायदाद से जुड़े मामले सफलता से पूरे होंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज कोई निराशा रह सकती है। बात करते हैं करियर की। आज तो आपके सामने व्यापार के एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे प्रस्ताव होंगे जो आपकी व्यवसाय को एक नई चमक देंगे। इन नए मौके का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इन दिनों हो रही भरपूर आमदनी में से कुछ रकम भविष्य के लिए बचा कर रखिए। आज किसी नए कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले होशियार रहना होगा। बेहतर तो यह होगा कि आप अपने किसी विधि सलाहकार से
इस विषय में सलाह ले लें। अगर आपने बिना ठीक से पढ़े सुने किसी पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए तो हो सकता है आप भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को और परिवार वालों को सुरक्षित खाना खिलाकर छोटी छोटी बीमारी को होने से रोकेंगी। कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों से आप दूर रहें। आज छोटी छोटी बीमारी जैसे कफ या कोल्ड को थोड़ी सी अक्ल लगाकर रोक सकते हैं। रात्रि के समय भोजन में हल्का आहार लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर के तले भुने भोजन से भी बचें। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को नीले फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।